हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिवर्सल करियर पॉइंट। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कैन और कुड, यूज ऑफ कैन और कुड। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। हमारे एक सपोर्टर सब्सक्राइबर का कमेंट में मेंशन हुआ था कि सर कैन और कुड को भी बताएं, तो आइए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड तक देखिएगा, वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा इनका मतलब और डिफरेंस भी, और आप बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हैं और आपके बोर्ड में भी ये बहुत काम आएगा। ग्रामेटिकल है हमारी, ये मॉडल वर्ब है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैन, सबसे पहले हिंदी में मैं इनका मतलब बताता हूं। जो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसमें हो जाएगा सका, सकी और सके। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में ये। अब देखिए इसकी बात करते हैं, ये यूज कैसे होते हैं। सिंपली सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो कैन होता है ना, ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज किया जाता है कैन को? प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। और कुड को किया जाता है पास्ट के लिए यूज, मतलब हमारी जो भी पास्ट हैबिट होंगी और प्रेजेंट हैबिट होंगी उनके लिए इनको यूज किया जाता है। तो देखिए यहां पर देख लेना, है यहां पर लिखा है और सका। सिंपली अगर यहां पर आप किसी का सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले बात करता हूं इन दोनों का यूज किस लिए किया जाता है। जो कैन का यूज है वो किया जाता है एबिलिटी के लिए, मतलब हमारी जो प्रेजेंट की एबिलिटी है उसके लिए यूज किया जा सकता है। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस बोलता हूं, आई कैन ईट 10 रोटीज इन वन टाइम, मतलब कि मैं 10 रोटीज एक टाइम में खा सकता हूं। मैंने अपनी क्या बताई? एबिलिटी, क्षमता बताई कि हाँ जी मैं 10 रोटियों को एक समय में खा सकता हूं। सकता हूं आ गया पूरा, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, हम सबसे पहले इसका यूज किस लिए करते हैं कैन का? प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए करते हैं। और ये करते हैं हम पास्ट एबिलिटी के लिए। यहां पर ये क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है। पास्ट एबिलिटी हो गई और यहां पर हो गई प्रेजेंट एबिलिटी। पास्ट प्रेजेंट एबिलिटी का सेंटेंस मैंने आपको अभी बताया ही था, जैसे आई कैन ईट 10 रोटीज इन वन टाइम, ठीक है। मैं क्या, यहां पे मैंने क्या बोला, आई कैन ईट, मैं एक समय में 10 रोटीज खा सकता हूं। कितना इजी है ये, बस प्रेजेंट की एबिलिटी दिखा दी। जैसे आप भी कोई सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जैसे आप कह सकते हैं कि आई कैन होल्ड दिस चेयर, होल्ड मतलब यहां आपकी क्या बताइए, इसने एबिलिटी बताइए कि आप में कितना दम है और इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पास्ट एबिलिटी की। मैं हम कह सकते हैं कि मैं यहां पे कह सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सका, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सका। सिंपली सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सका, ठीक है। देखिए पास्ट की बात हो गई, आपको बोलने में ही समझ में आ रहा होगा कि मैं पिछली बात कर रहा हूं कोई। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, यहां लिखूंगा आई कुड नॉट गो विद यू, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा ये सेंटेंस। यहां देखिए मैंने अपनी पास्ट की बात कह दी और यहां पर मैंने प्रेजेंट की बात कर दी। यहां भी एबिलिटी एक तरीके की शो हो रही है, क्योंकि भाई देखो मेरे पे कोई काम होगा, मेरे बस की नहीं होगा जाना, तो इसीलिए मैं नहीं जा सका, क्योंकि मेरे बस की नहीं था जाना वहां पर। तो इसीलिए मैंने यहां पर कुड का प्रयोग किया है। तो मैं यहां पर ऐसे भी कह सकता हूं, मैं इस चेयर को नहीं उठा सका। यहां मैं क्या कह सकता हूं, आई कुड नॉट लिफ्ट दिस चेयर, ठीक है। यहां पर मैंने क्या दिखाई है, अपनी पास्ट एबिलिटी दिखाई है, अपनी पावर दिखाई है कि हाँ जी इसमें मैं आराम से कह सकता हूं कि पास्ट की बात में मैंने यहां पर नहीं उठा सका इस चेयर को। यहां पर सका भी आ गया, पास्ट की बात भी हो गई। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। अगला यूज क्या है इसका, पहला तो ये था प्रेजेंट एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी। दूसरी बात होती है, अब बात आ जाती है इस पर पोलाइटनेस पर, कौन सा कितना पोलाइटनेस है, पोलाइट है। यहां पर ये सिंपली हम एक परमिशन के लिए भी यूज कर लेते हैं इन दोनों को, और पोलाइटनेस की बात करता हूं आपसे। यहां पर देखो,
पोलाइटनेस, जो इनकी पोलाइटनेस है, देखिए सिंपली अगर मैं कैन की बात करूं तो कैन हो जाता है आपका 80% पोलाइट। पोलाइट का मतलब आप जानते होंगे विनम्रता, कि हम कितना किससे प्यार से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर एक परमिशन, पोलाइटनेस भी कह सकते हैं, और परमिशन लेना और देना भी हो सकता है इसमें पोलाइटनेस, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, परमिशन। परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ परमिशन के लिए कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन। यहां पर हमने क्या किया, एक परमिशन ले ली कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, तो यहां पर परमिशन देने के लिए भी यूज किया जाएगा, परमिशन लेने के लिए तो किया ही जाएगा और परमिशन देने के लिए भी। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस आई कैन गिव यू माई पेन। अब देखिए पोलाइटनेस की यहां पर बात हुई थी कि ये पोलाइट था 80%। अब बात करते हैं कुड की, कुड जो होता है वो होता है आपका 100% पोलाइट। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, कुड जो है पोलाइट, जो कुड है उसकी पोलाइटनेस क्या है 100%। यहाँ पर कूड हो जाएगा हमारा 100% पोलाइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छा, यहाँ आप ही सोच कर देखिए, यहाँ पर मैंने बोला है कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पर कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये और भी ज्यादा पोलाइट, मतलब और भी ज्यादा विनम्रता से बोल दिया कि कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, सिंपली यहाँ बोल दिया। अब मान लीजिए आपको किसी से कुछ बोलना है या आप हेल्प करवाना चाहते हैं किसी से, तो आप कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर हो जाएगा ये बहुत पोलाइट हो जाएगा कि आदमी आपकी हेल्प क्या, बस जी आ जाओ, हेल्प ही हेल्प है यहाँ पे, तो इस तरीके से राजी हो सकता है कोई इंसान। और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी, ये थोड़ा 80% पोलाइट हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका 100% पोलाइट। तो यहाँ पर जैसे मैं बोल सकता हूँ कुड यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कुड यू प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस तरीके से। और यहाँ आगे की बात करते हैं तो इसमें अभी इतना ही है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और कैन कुड के सेंटेंसेस अपने दिमाग में ही बनाते रहा करिए। देखिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नोटबुक में ही लिख के करेंगे, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना, सिंपली आप बोलने के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा इंग्लिश में कि हाँ जी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं बहुत अच्छे से। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।